हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके थे कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे चुके थे कि कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितना आपका एप्लीकेशन फीस है वो रहने वाला था, ठीक है। तो अब आपको वेट था कि आपका ऑफिशियली अपडेट है वो कब जारी होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका ऑफिशियल अपडेट है वो रिलीज हो गया है, उस नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में आपको एक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होगा, तो उस पीडीएफ में आपको क्या दिया हुआ, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, कितना आपका फीस है, कैटेगरी वाइज आपका एप्लीकेशन फीस कितना है, रजिस्टर का आपका फीस कितना है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और आपके सिलेबस के बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आज इस वीडियो में यही सारी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़ा है, इस फैमिली के साथ नहीं जुड़ा है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितना भी ऑफिशियल अपडेट है वो आपके पास 2022 का जितना भी आपका एग्जाम से रिलेटेड जितना भी आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले वीडियोस की लिंक है वो आपके पास आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि यहाँ पे आपका पहले आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लिंक है वो जनरेट हो गया है 2022 जो एग्जाम्स को लेकर। पहले सबसे पहले साइट पर जो है लिंक जनरेट होता है, तो वो लिंक है जीबी पंत की ऑफिशियल साइट पर जो है अपडेट हो गई है। अब इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एक जो है शेड्यूल जारी होने के लिए आपको यहाँ पे देखो पहले ही प्रोसेस में आपका यूजी पीजी एंड पीएचडी पूरा जो है आपका शेड्यूल जारी होने का एक लिंक है, वो पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी के हो, चाहे आप पीएचडी के स्टूडेंट हो, ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको पीडीएफ फॉर्म में ये फाइल ओपन होगा जिसमें आपका सारा शेड्यूल है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस 2022 एंड 2023 का यहाँ पे डिस्कस किया गया। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इस पर सिलेबस सारा इन्फॉर्मेशन है वो आपका दिया गया। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ आपके डेट्स के बारे में ही बात करेंगे, सिलेबस का हमने पहले बता रखा है, फिर भी हम एक बार फिर आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपका नीचे के नीचे जैसे स्क्रॉल करने के बाद लास्ट पेज पे आपका शेड्यूल दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आप फिलअप कर सकते हो, कितने आपका डेट है, क्या क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका चाहे यूजी के हो, चाहे आप पीजी के हो, या चाहे पीजीटी के स्टूडेंट हो, आपका जो ऑनलाइन का एप्लीकेशन फॉर्म का है वो 18 तारीख से 31 तारीख तक आपके पास एक महीने से ज़्यादा आपको यहाँ पे मंथ दिया गया है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से आप अपने नो करेक्शन नहीं करके आप अच्छे से आप जो है अपना फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एम चाहे पीजी और पीएचडी के लिए 31 मार्च तक आपको यहाँ पे दे रखा है, ये हो गया। उसके बाद एडिटिंग एंड करेक्शन का भी यहाँ पे डेट दे चुका है, यदि आपसे कोई गलती या मिस्टेक्स हो जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे टाइम दिया गया कि 1 से लेकर 6 तक आपका जो है यहाँ पे करेक्शन के लिए डेट्स दिया गया, ठीक है। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज होगा, तो 15 सातवें महीने में आपका एग्जाम है, जुलाई में आपका जो है 15 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपकी डेट्स है वो कब होगी, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, पीएचडी की बात करें, पीएचडी के एमसी प्रोग्राम के लिए बात करें, तो 30 या 31 तारीख को आपको जो है आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब यूजी की बात कर लेते हैं कि यूजी का कब तक यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, तो शेड्यूल ऑफ टाइम एग्जामिनेशन आपका टाइम भी यहाँ पे दे गया है, ठीक है। तो 10 से लेके 1 तक आपके यहाँ पे एग्जाम्स का टाइम होगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, चाहे वो यूजी के लिए हो चाहे वो पीजी के लिए हो, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट की बात करें तो ऑन बिफोर आपका यहाँ पे डेट दिया गया है कि अगस्त से पहले पहले आपका कर दिया जाएगा। काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा 4th week of August में स्टार्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद में आपका जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आगे की शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे 3rd काउंसलिंग का यहाँ पे सारा डिस्कस किया गया है। अब आपकी बात करते हैं एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस की हम बात कर ले तो पहले हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियोस में, आप लिंक है आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो की लिंक डाल देंगे जिसमें हमने सारा क्लियर दिखा रखा है कि कितना आपका फीस जनरल ओबीसी एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरी के लिए हो सकता है, और उतना ही आपका एप्लीकेशन फीस है, ठीक है, और उतना ही आपका काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन डिटेल्स की, एप्लीकेशन फीस डिटेल्स की हम बात करें तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 1200 होगा, एससी एसटी के लिए हम आपको 600 रुपये देना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, और आपको यदि कोई हेल्प नंबर चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप जीबी पंत की यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे कॉल आप कर सकते हो। उसके बाद आपका ऑफिशियल साइट है वो gbpuet.ac.in है, ठीक है, तो इस पर आप अपना डिस्कशन कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, सारा डिटेल्स है हमने अच्छे से आपको समझा दिया, फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो अभी यदि आपका आगे की वीडियोस में हम आपको समझाएंगे कैसे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म करना है, ठीक है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में
फील पूरा डिटेल्स में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। चैनल पे यदि नए आए हो तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।